टायर डलवाने के बाद में 1000 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चली है और टायर पंचर हो चुका है उसका। दिल्ली में ना अगर आपको गाड़ी चलानी है थोड़ी दबंगगिरी आपको दिखानी चाहिए, दबंगगिरी इन द सेंस में ये नहीं खा लिया तुम लोगों ने, खुश हो गए, इस वाली ने सेब भी खाया, इस वाली ने भी सेब खाया, मजा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में मैं आपको दिखूंगा कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारी तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं भाई अपना वॉकिंग वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे जो करना अपना वॉकिंग करके फिर उसके बाद में मैं आपसे मिलूंगा। बाकी जो टायर की बात है, टायर मैं अभी फॉर्चुनर का क्योंकि घर पे खड़ी होती है तो इतना आराम से निकाल के और अपनी इग्निस में ही यहाँ पे रख के लेके जाऊंगा क्योंकि आज है सैटरडे, सैटरडे को फॉर्चुनर बाहर नहीं निकलेगी। कल मुझे दिल्ली से बाहर निकलना है तो मैं उसमें जो नया टायर जो पंचर हो चुका है, तो मैंने बताना मैं भूल गया था आपको, उसमें से एक नया टायर पंचर हो चुका है तो उसमें मैं इग्निस में ही रख के लेके जाऊंगा। और कल संडे को मुझे अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाना है, तो कहाँ पे जाना है मैं कल बताऊंगा आपको, मैं आज क्यों बताऊं भाई। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो कल आप मेरे साथ में जरूर बने रहना भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, मेरा भी पहली बार होगा तो देखते हैं कैसा एक्सप्रेसवे बना हुआ है अपने को, दिल्ली से टाइम कितना लगता है, कहाँ पे जाते हैं। नहीं चलती बात है, दो ही जगह तक एक्सप्रेस वे खुला है तो चलो आओ, अभी तो फिलहाल गाने एंजॉय करो और चलते हैं अपना वॉकिंग करने के लिए, चलो आओ चलते हैं। यार एक चीज समझ नहीं आती भाई, जब कार परचेज करी थी उस टाइम पे जो टायर की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी थी भाई वो इतनी गजब थी कि काफी टाइम के बाद में मतलब कम से कम 15,000 किलोमीटर कम से कम टायर चल गए थे, उसके बाद कहीं जाके पंचर हुआ था। पता नहीं यार अब ज्यादा ही सॉफ्ट टायर बनाने लगे हैं या क्या दिक्कत है जिसके कारण मतलब टायर डलवाने के बाद में 1000 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चली है और टायर पंचर हो चुका है उसका। चलो कोई बात नहीं, अब पता नहीं क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी की बात है या क्या दिक्कत है, जो भी है भैया देखो इसका तो कंपनी क्लेम देती नहीं है क्योंकि अनकंडीशनल वारंटी देती है उसमें, जो आपका टायर है ना ब्रिजस्टोन के, ब्रिजस्टोन में आपको कम से कम 3 साल तक अनकंडीशनल वारंटी मिलती है जो कि अपने को एक्सरसाइज इस टाइम पे हम नहीं कर सकते क्योंकि पंचर लगने के लिए अनकंडीशनल वारंटी मान्य नहीं होती है। सामने से ऑटो आ रहा है, वो देखो वो आ रहा है सामने से ऑटो, तो अपने को गाड़ी वापस लेनी पड़ेगी, तो भाई गाड़ी वापस ले लेते हैं और थोड़ा सा साइड में यहाँ पे लगा लगो के और गाड़ी निकलवाते हैं, फिर गाड़ी निकलवाते क्या भाई वो ऑटो निकल जाएगा, बैग लेते चले जाओ। चलो मैं थोड़ा सा कैमरा साइड में रखता हूँ और फिर कार को इधर उधर करता हूँ। भाई कहने का मतलब है कि दिल्ली में ना अगर आपको गाड़ी चलानी है थोड़ी दबंगगिरी आपको दिखानी चाहिए, दबंगगिरी इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, मगर थोड़ा बहुत आपको अपना रोब भी दिखाना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भाई, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे तो बस थोड़ा सा दबंगगिरी दिखाने में लग रहा था भाई। सामने से ई रिक्शा आ गई थी, ई रिक्शा को मैंने भी सामने गाड़ी लगा दी, मैंने कहा मैं तो हटाऊंगा नहीं भाई, अब तू कर ले जो मर्जी करना भाई तेरे, तो उसके बाद में उसने अपने आप ही ले लिया, मैंने कुछ बोला नहीं, बस सिर्फ उसको स्ट्रेस देता रहा, उसने भी स्ट्रेस दी, दो सेकंड के बाद में 10-15 सेकंड हुए होंगे, उसके बाद में उसने पीछे अपने आप ले ली। तो भाई अगर आप हर जगह आप दबते चले जाओगे ना तो भैया ये दुनिया ऐसी है दबाती चली जाएगी, दबने का नहीं तभी कुछ बड़ा हो सकता है, जितना दबोगे उतना दुनिया दबाएगी, ये एक बहुत बड़ी तगड़ी फिलॉसफी है भैया, इसको फॉलो कर लोगे ना तो समझ लो बड़े अच्छे आगे जाओगे। यार हर इंसान की आदत होती है, अगर सामने वाले की गलती हो ना तो भैया बिल्कुल चिपट जाएगा, बहुत परेशान करेगा। जैसे कि कल एक चीज थी भाई, हम पार्टी में गए, फॉर्चुनर में मैं इस तरफ बैठा हुआ था, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ही कोई एक कार खड़ी थी स्कॉडा की, तो पीछे से एक बाइक वाला आया बहुत तेज स्पीड पे और उसने जैसे ही कार देखी सामने देखी तो उसने ब्रेक मारा, ब्रेक मारते ही वो एकदम बाइक से उड़ के आगे गया, आगे जाके उसका सर जो है ना उसके बम्पर पे लग गया कार के, मगर उस बाइक वाले की गलती थी क्योंकि कार तो खड़ी हुई थी। वही बंदा खड़ा हुआ, उसने अपना सर देखा कि कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी, अपना बाइक उठाई और भाग गया, और उसके पीछे पीछे हम जैसे थोड़ा सा क्योंकि रास्ता सेम ही था हम जा रहे थे, जाके देखा तो मेरे को पता था, मैंने कहा ये कहीं ना कहीं रुकेगा जरूर देखने के लिए भाई कितनी चोट आई है, तो वही चीज हुई आखिरकार उस बंदे ने पेट्रोल पंप पे अपनी बाइक लगाई, उसने पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं भरवाना तो साइड में खड़ा होगा चुपचाप से और देख रहा है कितनी चोट आई कितनी नहीं आई। चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में और आगे चला गया, उसके बाद में फिर फ्लाईओवर के नीचे था वो, फिर भी बाज नहीं आया वो बाइक वाला बंदा, बिना हेलमेट के था और वो बाज नहीं आया और फिर भी वो करके निकाल के गया, मतलब कमाल है यार, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है मेरे दोस्त।
जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, आराम से चलाओ, हौले हौले चलाओ, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। वही रिज रोड के पास का एरिया, जब ज्यादा कुछ देने के लिए नहीं होता ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था गर्मी आ गई भाई, गोभी के पत्ते इस टाइम पे ज्यादा मिल नहीं रहे, तो यहाँ पे ना गाय ऊपर की तरफ रहती है, कोई टेंशन भी नहीं है, खतरा भी नहीं है, इनको खिला दो जो खिलाना है, हल्का फुल्का रहता है तो मैं यहीं पर ही खिला देता हूँ इनको, वैसे सही है। वह अपने भाई वहाँ पे एक की टायर पंचर हो गया था, तो भाई अपने ने स्टेपनी तो अपने पास में रखी है यार, जैक दे दिया भाई। खा लिया तुम लोगों ने, खुश हो गए? इस वाली ने सेब भी खाया, इस वाली ने भी सेब खाया, मजा आ गया भाई इसको भी खा के। भाई ये वाली गाड़ी है, चलो लगाने दो भैया को, जैक वैक लगाने दो, फिर बात करते हैं। भैया कमाल की दुनिया है, कमाल की दुनिया है। भाई का जैक तो था कार में, खैर उनका उन्होंने बोला भैया जैक जो है ना हमारा जाम हो गया है, बट ठीक है यार जैक आप ले लो, कोई बात नहीं, तो बंद हो जाना यार, थोड़ी देर में सुनाऊंगा लोगों को जाने वाने, तो मैंने दे दिया भाई उनको जैक। उसके बाद में मैं लेने गया भाई, मैंने कहा लाओ हो गया काम तो दे दो भाई, दे भी दिया भाई ने, यार एक थैंक यू तक नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं, लोगों को भाई बड़ा जोर पड़ता है ये चीज बोलने में, बहुत जोर पड़ता है, बट कोई भी आपके लिए कुछ भी काम करे, किसी तरीके का भी कुछ भी करे, भैया आपको ना एक वर्ड है, अंग्रेज दो तीन वर्ड ही तो बहुत बढ़िया सिखा के गए, एक तो सॉरी कि कुछ भी गलती करो तो सॉरी बोल दो, और भैया कुछ भी बढ़िया करो अगर सामने वाले को लगे तो भैया थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। तो कोई बात नहीं, तो मैंने कहा यार छोड़ यार, फिर मैंने उसे की वीडियो क्या बनानी यार, भाई ने थैंक यू तक भी नहीं बोला, मैं चलो कोई बात नहीं, अपने अपने काम कर दिया है, अब हम चलते हैं आगे वॉकिंग। भाई अपनी वॉकिंग तो हो गई है, भाई साहब धूप का कहर देखो है, इतनी तगड़ी धूप हो गई है, मार्च ऑलमोस्ट सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है और इतनी गर्मी भैया हद धो रखी है। तो चलो यार एक बार जो है ना अपनी गाड़ी में वो जो जैक वगैरह दिया था ना उन्होंने वो ऐसे ही लगा रखा, उसको ठीक कर देते। ये देखो आज गाय का पानी भी नहीं भर पाया, चलो कोई बात नहीं, इसको डालो यहाँ पर, इसको भी डालो भाई को यहाँ पर, और इसमें प्रॉब्लम इंग्लिश में देखो ये है भाई, पूरा का पूरा ही बाहर निकालना पड़ता है, तभी जो टायर जो है ना टायर आप उठा सकोगे, अगर ये टायर आप उठाओगे तो यहाँ पे अट जाता है, तो अब इसको जैक को इस टायर के नीचे जगह होती है वहां पे लगा देते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब मैंने इसको यहाँ पे मैंने अब टायर के नीचे इसको जैक को लगा दिया है, टायर इसके ऊपर डाल देते हैं, और ये हो गया इसका स्क्रू जिससे ये टाइट रहता है, इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। चलो ठीक है, आजकल की लेटेस्ट कारों में ये बहुत सही बना रखा है भाई, जितनी भी सारी कारें लेते हो, मैं ये टाइट हो गया, और ये अपना जो औजार है इसके ये इधर भर दिए। अब इसके बाद में अपना जो ये है जिसकी कवरिंग है, कवरिंग भी यहाँ पे लगा देते हैं, बॉटल को और अपना ये जो टब है पानी का इसको यहाँ पे डालते हैं, और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो चलो जी अब हमने अपनी कर दी है कार को स्टार्ट, और अपना अब हम निकलते हैं घर के लिए, और घर पे जाके कुछ खाना पीना खाते हैं। भाई भूख सॉलिड लग रही है, गर्मी भी इतनी तेज लग रही है, बट इस टाइम पे मैं एसी नहीं चला सकता क्योंकि अभी थोड़ा बॉडी वार्म है, वॉकिंग करके आए हैं। ओहो गलत ले लिया, चलो कोई बात नहीं, उस तरफ से ले लेते हैं और बेल्ट भी लगा देते हैं, ना तो टू 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 करती करती भाई सारी वीडियो की ऐसी तैसी कर देगी ये। चलो जी अब घर चल के कुछ खाते पीते हैं, और उसके बाद में हम अपना फॉर्च्यूनर के टायर को पंचर लगवाने के लिए चलते हैं। तो मगर आज की वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, तो आज की वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फॉर्च्यूनर के टायर की पंचर का रिपेयरिंग जो है आपको, वो हम आपको कल की वीडियो में दिखाएंगे। और जहां तक मैंने आपको बताया था कि फॉर्च्यूनर के टायर की रिपेयरिंग वाले वीडियो के बाद में आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में मैं आपको दिखूंगा कहाँ जा रहे हैं भाई, वो तो आपको वीडियो में ही देखना पड़ेगा। तो आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए दिन के साथ में, गुड बाय।